अभय अपना घर और अपनी माँ को छोड़कर जा चुके हैं और ये बात तनुजा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसीलिए उनकी नजरें बस दरवाजे पर ही टिकी हुई है कि कब अभय आएंगे और उन्हें फिर से माँ कहकर बुलाएंगे। हालांकि अभय आते भी हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही दिख रहा है। कर रही हैं आप ये नाटक? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? आपको क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? आपको क्या लगा था आप ये बीमारी का नाटक? बच्चा समझाएगा? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा जो तुम अपनी माँ से ऐसे बात कर रहे हो? हाँ वो जी, जहाँ अभय आने के बाद अपनी माँ को ही उल्टी सीधी बात सुनाने लगते हैं। उनका ऐसा कहना है कि तनुजा ने जानबूझ के नाटक करके उन्हें यहाँ बुलाया है। वहीं तनुजा ये सुनकर उनका दिल एकदम से भर सा जाता है। मेरा हमारे रिश्ते में विश्वास खत्म हो गया। बहुत बोल लिया तू। बात की हद होती है तो इसको सुनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि तो फिर थोड़ी लाइन चेंज करनी पड़ेगी, इनको देख के फिर बोलना पड़ेगा ना मुझे। दोनों फिर ऐसा लग रहा है एक साथ है तो मैं पहले ही हूँ। हाँ ठीक है ओके। और बुआ जी को भी अभय की ये बातें अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह से वो तनुजा से बात करते हैं वो देखकर बुआ जी से रहा नहीं जाता और वो अभय को डांट फटकार लगा देती है। ये नाटक क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? बेवकूफ समझा है मुझे आपने? आपको क्या लगा था आप ये बीमारी का नाटक करेंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? छोटा बच्चा हूँ क्या मैं? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्यों क्यों कर रही है आप ये नाटक? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? बेवकूफ समझा मुझे आपने? आपको क्या लगा था आप ये बीमारी का नाटक करेंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? छोटा बच्चा समझा है क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? भाई जो तुम अपनी माँ को ये सब कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? आप तो मम्मी का ही साथ देंगी ना, कम से कम आप तो मम्मी के झूठ में उनका साथ मत दीजिए। और आप आइंदा से ना ऐसा भद्दा मजाक मेरे साथ मत करिए, वरना मैं अपने वरना मेरा रिश्ते पर विश्वास खत्म हो जाएगा। बदतमीज, बड़ा हो गया तो लाचार बन गया है, जो अपनी माँ को सुनाकर चला गया। हर चीज की एक हद होती है। पर अभय तो यहाँ से जा चुके हैं, अब देखना ये होगा कि कैसे श्रद्धा उन्हें वापस लाती है। एंड फॉर मोर से स्टेली टाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।